मैम, दिस इज़ माई थर्ड ट्रायल एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर माई एग्जाम्स. मैम, वेन आई सिट डाउन टू स्टडी एंड आई फील दैट येस विद कम्प्लीट एंथुजियाजम आई मीन टू माई वर्क, ऑल ऑफ अ सडन द फोन बीप्स एंड देन आई एम ट्रांसपोर्टेड टू अ सोशल मीडिया साइट विच कीप्स मी एनग्रॉस्ड एंड एंगेज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मैम, देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स अराउंड मी. मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, आसपास की चीज़ें अच्छी नहीं हैं. मैं कंसंट्रेट करना चाहूँ तो भी मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता या कर पाती. कैन यू प्लीज़ गाइड मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हैंड होल्ड मी. कुछ तो बताइए, किस तरह से हम अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करें, कैसे हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट लेकर आएँ. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्ड under so many videos with so many comments, and this is a special requested video for all those students, all those youngsters, all those people who are wanting and aiming to achieve something in life so as to attain and complete the goals and the visions which they have kept for themselves. So I'm trying my level best to share my own life experiences through which I can handhold you or guide you to perform better in a better manner, सो दैट आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें और आपके गोल्स फुलफिल हों. आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स. आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक. हम सबके साथ ये बहुत कॉमन है कि हमारी लाइफ में बहुत सी रुकावटें आती हैं, हर कदम पर आती हैं, बट दे आर देयर टू टेस्ट अस, दे आर देयर टू मेक अस स्ट्रॉन्गर. नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक. और आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हाउ एंड विच वेज कैन वी सी टू इट दैट वी अटेन आवर गोल्स एंड वॉट एवर वी हैव आस्क्ड फॉर वी फुलफिल दोज थिंग्स. सबसे पहली चीज़, वी ऑल आर इन अ वर्ल्ड राइट नाउ विच इज़ सराउंडेड बाई टू मच ऑफ एन एक्टिविटी हैपनिंग. फिजिकल स्पेस से लेके मेंटल स्पेस, इमोशनल स्पेस, हर चीज़ से लेके हमें बार 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 हमारा डेविएशंस के एक या दो तरीके नहीं हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उन डेविएशंस के लिए. डेविएशंस बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है. डेविएशन हो सकता है हमारे आसपास का माहौल ठीक नहीं है. डेविएशन ये हो सकता है कि घर में पढ़ाई का माहौल ठीक नहीं है. डेविएशन ये हो सकता है कि लगातार ताने और बातें सुन के हम इतना परेशान हो जाते हैं कि लगता है यार बस. डेविएशन हो सकता है कि हमारे एडिक्शन टू सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म और एनीथिंग विच इज़ मैसेजिंग और एनीथिंग विच इज़ टेकिंग अस अवे. डेविएशन इसका हो सकता है कि हम इतने नेगेटिव जोन में जा चुके हैं कि हमने एक चीज़ को ट्राई किया एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और हथियार डाल के बैठ गए कि ये हमसे नहीं होगा या हमारा माइंडसेट ही इस तरह का नहीं है. इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन करो, मैं आपको बोलती हूँ एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स करो, और उसके बावजूद आप में से कुछ लोग कहते हैं मैम ये सब करने के बावजूद भी हम सक्सेसफुली चीज़ों को नहीं कर पाते, या हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, या हम अपने एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते. तो ऐसे में क्या किया जाए? मैं आपके साथ कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सक्सेसफुली फ्रूटफुल सजेशंस शेयर करूँगी विच कैन डू वंडर्स, रियली दे कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेन एवर वी ट्राई टू हील आर सेल्फ, कुछ भी करना है, कुछ भी करने से पहले हमें सबसे पहले अपने अंदर इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा. दैट मीन्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड एज वॉट डू आई वॉन्ट. आई एम वेरी श्योर अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो आप बड़ा क्लियरली सोच के चलते हैं कि मैंने गोवा घूमने जाना है, मैंने बाय एयर घूमने जाना है, और मैंने गोवा में इस होटल में रहना है, 5 दिन के लिए रहूँगा या 4 दिन के लिए रहूँगा या रहूँगी, इस दौरान मैंने ये एक्टिविटीज़ करनी है, मुझे ये सी फूड या इस तरह की चीज़ें खानी है. आपके बड़ा रोड मैप क्लियर होता है ना, तो फिर स्टडीज़ को लेकर रोड मैप क्लियर क्यों नहीं? तब क्यों नहीं आपके दिमाग में आ जाती ये बातें कि अच्छा मुझे ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरे पास ये मैप है, मेरे पास 3 मंथ्स का टाइम है या 4 मंथ्स का टाइम है, इन 4 मंथ्स में मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाने चाहिए, मेरे रिविजन के लिए इतना टाइम चाहिए, मुझे पुराने पेपर्स करने के लिए इतना टाइम चाहिए. क्या ये आपने सारा कंप्लीट बनाया है?
क्या आपने अपना बड़ा सा गोल कहीं लिख के रखा है? कांट यू राइट योर गोल ब्यूटिफुली ऑन अ पीस ऑफ पेपर, चार्ट पेपर? आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना सकते हो ताकि आपको बार बार दिखे. आप उसके अंदर जो लिख रहे हो, अपना नाम लिख के अपने हाथ से लिख रहे हो, आई सो एंड सो आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर हेल्पिंग मी इन अचीव माई गोल, वॉट एवर योर गोल इज इन क्लियरिंग दिस एग्जाम. आप वो आराम से प्रॉपरली लिखो, कौन सी डेट है, स्पेसिफिक लिखो. जैसे गोवा की ट्रिप की बात बताई, वैसे स्पेसिफिक लिखो. स्पेसिफिक लिखने के बाद उसको दिन में कम से कम 9 times पढ़ना है. कब पढ़ना है? अब बोलोगे मैम पढ़ाई तो होती नहीं, ये गोल पढ़ते रहें. जब तक मैं आपको प्रिक नहीं करूँगी ना, वो गोल क्या होगा? गोल आपको टीचर की तरह प्रिक करेगा. कैसे? आप सुबह 3 पढ़ोगे उसी स्टेटमेंट को, वो आपको ध्यान में आएगी कि हाँ मुझे ये अचीव करना है. लंच टाइम में खाना खाने से पहले जब भी बैठें, आपको रिमाइंडर लगा लीजिए कि मुझे वो गोल स्टेटमेंट दोबारा पढ़नी है. अगर आपने अपना गोल कार्ड या विजन कार्ड अपने स्टडी टेबल पर लगा रखा है तो अपने मोबाइल में एक पिक्चर तो क्लिक कर सकते हैं ना उसकी, उसमें से पढ़ लीजिए 3 और सोने से पहले 3. तो पहला काम हमने क्या करना है? अपनी गोल स्टेटमेंट लिखनी है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई मूव टू द सेकेंड पॉइंट. आप जहाँ पढ़ रहे हैं, बिस्तर पे तो नहीं, प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं. बिस्तर सोने के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टडी टेबल, वो फोल्डिंग वाली टेबल और ये टेबल और कॉफ़ी टेबल और आई डोंट नो व्हाट नॉट, वो टेबल पे बिस्तर पे बैठ के वहीं पे ही पढ़ाई करते हैं. पीछे आराम से टेक लगा के, तकिया लगा के थोड़ी देर में ऐसे टेढ़ा बैठते हैं, बैठते बैठते बिल्कुल ही लेट जाते हैं. और थोड़ी देर में तो बिल्कुल तकिया नीचे होता है, टांगें बिल्कुल सीधी होती हैं, हाथ में किताब होती है और ऐसे पढ़ रहे होते हैं. और पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती है? 5 में. एंड दे जस्ट डोज ऑफ टू स्लीप और फिर कहते हैं पढ़ाई नहीं हुई यार, याद नहीं हुआ. सो यू हैव टू, द सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज यू हैव टू लीव योर बेड, यू हैव टू लीव योर कोजी प्लेस. आपको कुर्सी पर बैठना है, टेबल पर बैठ के पढ़ाई, चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी है. और चेयर बहुत कंफर्टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, जब तक आपको बहुत ज़्यादा आराम की आदत से हटेंगे नहीं, तब तक ये आपको परेशान चीज़ करती चली जाएगी. सो रिमूव योर कंफर्ट जोन, मूव टू अ टेबल एंड प्लीज सी टू इट दैट द टेबल इज़ क्लटर फ्री. यू हैव अ फिक्स प्लेस फॉर योर स्टडीज एंड द स्टडी टेबल हैज़ टू बी क्लटर फ्री, नीट एंड टाइडी. ये नहीं कि टेबल पे मैंने एक बहुत सुंदर सा पेन पेंसिल होल्डर भी रखा हुआ है, मैंने 5-6 किताबें भी रखी हुई हैं और बंडल्स के नोट्स भर भर के सामने रखे हुए हैं. और जब मुझे ढूंढना है तो मैं उन नोट्स को ऊपर से नीचे तक करके ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अरे यार ये कहाँ गया, ये कहाँ गया. That's going to divert your attention. एक simple सा goal card छोटा सा लगा के रखो. Like what I have done here is I am creator of my reality. I'll show you that too. मैंने ये अपनी टेबल पे लगा के रखा हुआ है. And when I sit here, I read it and I say yes, I am the creator of my reality. Right? ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे ही तो create करनी है, कोई और बाहर से आके नहीं करेगा. Then I move to the third important aspect, which is create your vision board. वैसे तो मैंने goal card के लिए बोला. विजन बोर्ड में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 1 के बाद, 2 के अंदर अंदर. अगर आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कंपनी है, उस कंपनी में आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहते हो, तो आप उस कंपनी का नाम लिखिए. नाम लिखने के बाद उस कंपनी में जिस पोजीशन पे आप चाहते हैं अपने आप को, जनरल मैनेजर, आप ओनर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. इट्स विशेज़ में तो देर इज़ एब्सोल्युटली कोई लगाम नहीं है. सो यू कैन राइट दैट, यू कैन राइट योर नेम, यू कैन पुट योर पिक्चर देयर एंड से थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्लेसिंग मी हियर ऑन सो एंड सो डेट. अगर डेट भी डालनी है इतना भी स्पेसिफिक हो सकते हो. उस विजन बोर्ड को जब जब आप देखोगे, वो आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड यही याद दिलाएगा, यही जगह है तेरी, तुझे यहीं पहुंचना है. विजन बोर्ड में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. इनफैक्ट वी कैन क्रिएट विजन बोर्ड्स लाइक मेनी डिफरेंट मैनर्स. सो यू कैन यू नो डिवाइड इट एज हेल्थ गोल, व्हाट इज़ योर हेल्थ गोल, व्हाट इज़ योर वेल्थ गोल, व्हाट इज़ योर वर्क गोल, व्हाट इज़ योर फिटनेस गोल. तो आप उसको अलग अलग पैरामीटर्स में कर सकते हैं. मे बी आई क्रिएट, पहले मैंने बहुत पहले एक विजन बोर्ड की वीडियो डाली थी, बहुत बिगिनिंग में व्हेन आई स्टार्टेड द चैनल. आई क्रिएट अनदर वन दिस टाइम, अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट इट वाज अर्लियर. नाउ आई मूव टू द फोर्थ पॉइंट. सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जहाँ घुसते हैं वही चीज़ करते रहते हैं, हम अपने 5 तत्वाज को बैलेंस नहीं करते. एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई हाफ द टाइम वी नॉट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए आपको 5 क्या चीज़ों को बैलेंस करना है? आपने हवा में, ताज़ी हवा में हर रोज़ आधा घंटा ज़रूर बिताना है, मॉर्निंग में और आधा घंटा इवनिंग में बिताएंगे, नथिंग कैन स्टॉप यू. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने करनी है, आपने सुबह के टाइम नंगे पैर घास में
मिट्टी में अर्थिंग करनी है, अर्थ से जुड़ना है, वो नंगे पैर चलना है, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ है ना, ग्राउंडिंग होगी। अगर मैं इसको बोलूँ तो आपका द बेस चक्रा विल ओपन। अगर आपका बेस चक्रा ओपन होगा तो आपका जो फियर है वो जाएगा, आपकी ग्राउंडिंग होगी। ग्राउंडिंग होने से आप अर्थ के साथ जुड़ोगे। हम सब धरती में से ही तो निकले हैं, धरती में ही जाना है हमने। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आर बॉडीज़ आर 70% वाटर। एंग्जाइटीज़ जब जब होती हैं, पैनिक अटैक्स जब जब होते हैं, आप उस टाइम पर ध्यान देना, आपने पानी बहुत कम पिया होता है। तो आपको अगर अपने माइंड को कूल रखना है, रिटेंशन पावर बढ़ानी है, आपको हमेशा चीज़ों को याद रखना है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दिस इज़ द थर्ड, पांच तत्वाज में से दिस इज़ द थर्ड वन। द नेक्स्ट वन इज़ फायर। फायर एलिमेंट के लिए आई ऑलवेज से एक टाइम दिया जला लो, चाहे सुबह जला लो, शाम को जला लो। आपको दिया जलाने में आलस आता है, कैंडल जला लो। दो मिनट जस्ट शांति से लुक एट दैट लॉ, लुक एट दैट फ्लेम एंड फील द वॉर्म्थ एंड फील दैट यू आर बीइंग बेनिफिटेड थ्रू इट। दैट्स गोइंग टू बी मिरेकुलस। एंड लास्ट इज ईथर। हम खुली हवा में जब देखते हैं तो आई ऑलवेज से आकाश देखो, द वास्टनेस ऑफ द स्काई, इट इज़ अ ह्यूज, इट्स अ वास्ट थिंग। दैट इज़ व्हाट विल गिव यू द वास्टनेस ऑफ योर ओन लाइफ, कि हमारी लाइफ में हम क्या कुछ कर सकते हैं, इजेंट इट? सो ट्राई डूइंग दैट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस ऑल योर फाइव तत्वास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डिलीट ऑल योर एक्सक्यूजेज एंड ऑब्स्टिकल्स। जब जब आपको लगता है कि नहीं यार मैं कल पढ़ लूँगा, नहीं यार मैं परसों देख लूँगा, ठीक है ना ये तो मैं लास्ट में भी करूँगा तो भी चल जाएगा, या मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या इसमें से ज़्यादा आएगा तो मैं इतना ही कर लेता हूँ। इमेजिन आपको घर में आपकी मम्मा खाना दे रही हैं, रोटी आधी पकी हुई दे रही हैं, कि एक साइड से तो पकी गई है ना, दूसरी साइड कच्ची भी है, तो कोई नहीं इस तरफ की खा लेगा, क्या आप खा पाएंगे? तो वाई आर यू गेटिंग इन टू द ट्रैप ऑफ दिस? योर माइंड प्लेज गेम्स, डोंट गेट इन टू द ट्रैप ऑफ वॉट योर माइंड इज प्लेइंग फॉर यू, कि कल कर लेंगे, अरे यार उठ जाएंगे, अरे यार बैठ जाएंगे। इमीडिएटली वेन एवर सच अ थिंग हैपन्स, इमीडिएटली स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3 एंड से क्लिक एंड से गेट अप, कॉल योर सेल्फ एंड से यू हैव टू गेट अप एंड वहाँ से तुरंत खड़े हो जाइए। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ लिसनिंग टू द एफर्मेशंस। मैंने अपने चैनल में बहुत सी एफर्मेशंस डाली हैं, सक्सीडिंग इन एग्जाम्स की डाली हैं, गेटिंग यू नो इनटू फिनेंशियली एडवांसमेंट की डाली हैं, हेल्थ की डाली हैं। एवरी संडे आई ट्राई एंड पुट वन एफर्मेशन। आप कोई सी भी उसमें से चूज़ कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उससे हर रोज़ रात को सोने से पहले वो एफर्मेशन सुन के सोइए। प्लीज़ डू दैट। अगर आपको लगता है नहीं मैम नहीं रात को हो पाता, थक जाते हैं, मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लिसन टू दोज एफर्मेशंस, दे आर मैजिकल। आई हैव सीन इन माई लाइफ एफर्मेशंस वर्किंग लाइक मैजिक एंड मेकिंग अ चेंज इन माई लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ माइंड मैप्स की। आपको एक पेपर हर एक चैप्टर से के एंड में पढ़ने के बाद आपको समराइज़ करना होगा। दीज आर कपल ऑफ सजेशंस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कैसे समरी आएगी, कैसे मेन नोट्स आएंगे समरी के और की पॉइंट्स कहाँ आएंगे, ताकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले आप सिर्फ इसी पेज को देखें। हर चैप्टर वाइज इस पेज को देखेंगे तो आपको वो रिवाइज़ करना आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आई पर्सनली फील these things have worked wonders in my life as to you know achieving various goals at various stages in my life. Also hamesha yahi kahungi lagatar 3-4 ghante nahi padhe, just study for 45 minutes to 1 hour, after that take a break of 10 minutes, kyunki mind mein bhi aap ek limit tak hi to pour karoge na cheezon ko, uske baad aapko thodi si break leni hai. टेक अ फ्रेश यू नो एयर ब्रेक, 5 मिनट बाहर घूम घाम के आओ, हेलो हाई बोल के आओ सबसे, थोड़ा सा स्माइल करके आओ, थोड़ी स्माइल दे के आओ, और उसके बाद वापस बैठ जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस दौरान जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ ईट होम कुक्ड फूड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। घर का खाना स्विगी से ऑर्डर नहीं करना है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। जब हम घर का खाना खाते हैं तो घर में जब हमारी मम्मा या पापा या जिसके घर में जो भी बना रहे हैं, वो खाना उन पॉजिटिविटी से और बहुत एनर्जी से और प्यार से बनता है। जहाँ आपने ऑर्डर किया होगा, भगवान जाने वहाँ पे किचन में या क्लाउड किचन में या कैसे किचन में कैसा शेफ का मन होगा, कितनी मजबूरी में काम कर रहे होंगे, कब का फूड आया होगा, कब वो बना होगा, कब रीहीट हुआ होगा, उसके अंदर डेड एनर्जीज होंगी, और वो किस वहाँ से पैक हुआ, अनदर पर्सन कैरिड इट फॉर यू एंड देन इट रीच्ड यू, कितने हैंड से होता हुआ पहुँचा है, कितनी एनर्जी से होता हुआ पहुँचा है,
लेकिन आपके घर में एनर्जी सिर्फ आपकी माँ की होंगी, आपके पिताजी की होंगी, या आपकी सिस्टर की होंगी, आपके ब्रदर, जिसने भी खाना, या आपने खुद बनाया तो आपकी अपनी भी एनर्जीज हो सकती हैं. सो ट्राई एंड सी टू इट दैट एटलीस्ट दोज पॉजिटिविटीज एंड दैट एनर्जी वॉट एवर इज गोइंग इन साइड यू इज गोइंग टू बी कमिंग आउट. सो सिमिलरली जो आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस अंदर जाएगी तो ही आप एग्जाम में क्लियर हो पाओगे. आई एम होपफुल एंड आई एम श्योर दैट दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ यू इन अचीविंग द काइंड ऑफ गोल्स दैट यू हैव बीन वॉन्टिंग टू अचीव. एंड आई एम 200% श्योर कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप सब लाइफ में बहुत 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 सारी सक्सेस लेने वाले हो. थैंक यू सो मच. हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना. किसको? उस ऊपर वाले को, आपके पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को. बिकॉज़ वो कहते हैं जितनी बार हम शुक्राना करते हैं उतनी ही चीज़ें हमें मिलती हैं. भगवान के पास जाके, मंदिर में जाके ये नहीं कहना भगवान जी एग्ज़ाम पास कर देना तो मैं इतना का प्रसाद चढ़ाऊँगा. भगवान जी को वो नहीं चाहिए, भगवान जी को आपको आपके अंदर की सच्चाई चाहिए. दैट्स इट. So try doing it. I hope these were all very very relevant and they helped you. And I tried my level best कि मैंने हिंदी में ही बोला और आपको अच्छे से समझ आए ताकि मासेस तक ये वीडियो पहुँच पाए. Thank you once again. God bless you and all the very 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 best to all of you. Lots of love.